हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स लेंस। आज का वीडियो है दार्जिलिंग रोपवे के ऊपर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग में। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप दार्जिलिंग रोपवे के बोर्डिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। दो तरीके हैं। पहला है कि आप दार्जिलिंग साइटसीइंग प्लेसेस घूमने के लिए एक गाड़ी बुक कर सकते हैं, उसी में ये रोपवे भी कवर किया जाता है। और अगर आपको सिर्फ रोपवे घूमना है तो हाँ, वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि मैं हर वीक मेरे चैनल पे एक इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको ट्रैवल कंटेंट में इंटरेस्ट है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है चौक बाजार बस स्टैंड। अगर आपको सिर्फ रोपवे घूमना है तो यहाँ से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगा रोपवे के बोर्डिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए। पर हेड चार्ज पड़ेगा अराउंड 20-30 रुपीज। रोपवे का बोर्डिंग पॉइंट लोकेशन है सिंगामारी और नियरेस्ट लैंडमार्क है ये सेंट जोसेफ स्कूल, पॉपुलरली नोन एज नॉर्थ पॉइंट। स्कूल के ठीक ऑपोजिट साइड पे है ये सीढ़ी, जिसको चढ़ के आपको ऊपर जाना होगा। वहाँ पे ही है रोपवे का बोर्डिंग पॉइंट। हम लोग जिस दिन साइटसीइंग के लिए निकले थे उस दिन मे डे था, इसलिए रोपवे राइड बंद था। ये हमको यहाँ पे आके ही पता चला, लेकिन हमारे पास टाइम था इसलिए हम नेक्स्ट दिन फिर से गए रोपवे राइड के लिए। इस बार रोपवे के बोर्डिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमने एक डिफरेंट रूट लिया। दार्जिलिंग जू के पास शॉपिंग करने के लिए कुछ स्टॉल्स है, उसी स्टॉल्स के पास से एक रास्ता रोपवे तक जाती है, हमने वही रूट लिया है। जू से रोपवे का डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर। इस रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं मिलती, चल के ही जाना पड़ेगा। आसपास का खूबसूरत नजारा देखते हुए इस ट्रैफिक फ्री रोड पे चलने का एक्सपीरियंस हम सब एंजॉय कर रहे थे। কেমন ঠান্ডা? ভালো। এনজয়েবল। এনজয়েবল। কুছ টাইম তক চলনে কে বাদ হামকো রোপওয়ে কা সাইনবোর্ড দিখা। ফাইনালি হাম পৌঁচ গয়ে হ্যায় রোপওয়ে কে বোর্ডিং পয়েন্ট কে পাস। থোড়ি থোড়ি বারিশ হো রহি হ্যায় আবি। टिकट काउंटर सुबह 10 बजे ओपन होता है। टिकट का प्राइस है एडल्ट के लिए 260 रुपीस और चाइल्ड के लिए 130 रुपीस पर हेड। इस रोपवे राइड के कुछ डूज एंड डोंट्स है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। रोपवे के मेन गेट के बाहर ही कुछ खाने पीने के और शॉपिंग करने के स्टॉल्स हैं। एक रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। लाइन देख के आप समझ ही गए हैं कि इस रोपवे राइड का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, इसलिए अगर आप सुबह सुबह थोड़ा जल्दी आते हैं तो आपको लाइन में कम टाइम खड़ा होना पड़ेगा। Are you excited for the rope? Very much. अगर आपके साथ एजेड लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ चेयर्स रहता है, वहाँ पे आप उनको बैठा सकते हैं। जब आपका टर्न आएगा केबल कार में चढ़ने का, तब यहाँ पीछे से उनको एंट्री करवा सकते हैं। फाइनली आ गई है हमारी सवारी। एक केबल कार में 6 जन बैठ सकते हैं। वो सामने है नॉर्थ पॉइंट स्कूल,
इस स्कूल में कुछ बॉलीवुड मूवीज का शूटिंग भी हुआ है। इस रोपवे राइड का अप एंड डाउन टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, जो कवर किया जाता है 40 मिनट्स में। हर महीने 19th को ये रोपवे राइड बंद रहता है मेंटेनेंस के लिए। टॉप व्यू से पहाड़ों का ये जिगजैग रोड्स देखने में बहुत सुंदर लगता है। हम लोग जब रोपवे के टिकट काउंटर पे पहुंचे थे, तब हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ घने बादलों से भरा हुआ था, तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे कि रोपवे से शायद अच्छा व्यू ना मिले। लेकिन पहाड़ों का यही मजा है कि कब बादल आएंगे और कब हट जाएंगे वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बेसिकली हम लोग लकी हैं क्योंकि बारिश हो जाने के कारण हमको ये क्लियर वेदर मिला है, जिसके लिए हम ये ब्यूटीफुल ग्रीन टी गार्डन्स, ब्लू माउंटेन्स और व्हाइट फेदरी क्लाउड्स का ये खूबसूरत नज़ारा देख पा रहे हैं। रोपवे का हाफवे जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे पहले टूरिस्ट चाहते तो उतर के यहाँ टी गार्डन्स में घूम सकते थे और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पे चाय, कॉफी, स्नैक्स वगैरह खा सकते थे। लेकिन अभी यहाँ हम लोगों को उतरने नहीं दिया है, शायद कोविड के लिए बंद होगा। यहाँ पे हमारा टिकट फिर से चेक किया और अभी हम बैक कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। आप जब यहाँ आएंगे तब हो सके आपको ये जगह घूमने को मिल जाए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब दार्जिलिंग घूमने आए ये रोपवे राइड जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में देखना और खुद एक्सपीरियंस करने में बहुत फर्क है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये खूबसूरती एंजॉय करो। देखिए अभी अभी कितना क्लियर वेदर था, लेकिन अब फिर से चारों तरफ क्लाउड से भर गया है। नो विजिबिलिटी, ओनली क्लाउड्स। नहीं तो अभी तो ब्यूटी भाई मेरे मोटु जी अच्छी चट्टी नहीं कतर की बोलो देखो इस साइड पे। दार्जिलिंग में और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है घूमने को। इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लिंक ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है और इस वीडियो के एंड में भी दिया हुआ है। आज के लिए दार्जिलिंग रोपवे का ये ब्यूटीफुल जर्नी खत्म होने वाला है। हम पहुंच गए हैं जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट टाइम जब दार्जिलिंग घूमने आऊंगी तो आई एम श्योर एक बार फिर से ये रोपवे राइड जरूर करूंगी।
ये सीनिक वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड टेक केयर।